here comes the big dog. Like absolutely no other. You hear the roar of the crowd for Roman Reigns. You always say the most polarizing star in WWE, but the big dog ready to defend his yard tonight. हो चुका है मैच स्टार्ट और 2 साल बाद है ये रीमैच जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस। रोमन रेंस ने पहले स्पेयर देके हरा दिया था जॉन सीना को और यहाँ पे मैच दोनों ही प्लेयर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन एक दूसरे को गिराएगा पहले, और दोनों ने नहीं गिराया। और एक राइट हैंड रोमन रेंस, सुपरमैन पंच। रोमन रेंस ने यहाँ पर सुपरमैन पर दिया, जॉन सीना को जड़ दिया सुपरमैन पंच। न्यू प्लेयर है, इनका नाम है आदिल और ये बने हैं रोमन रेंस, और पूरा कर दिया है इन्होंने। कहलाए जाते हैं दी स्मॉल डॉग और स्पीयर देने के लिए आ रहे हैं और कंधे पे आ गए ये। और जॉन सीना ने काफी बड़ी इंजरी हो सकती है। 1-2 और एक एक आउट रोमन रेंस तरफ से। 2 साल पहले मैच हुआ था इन दोनों का, उस मैच में जीते थे रोमन रेंस। फिर से बदला लेने के लिए आ गए हैं रोमन रेंस, फिर से अपनी भूख को मिटाने आ गए, अपनी प्यास को मिटाने आए हैं जॉन सीना से लड़ने के लिए। और जॉन सीना वहाँ पर और राइट हैंड की कोशिश पर, लेकिन जॉन सीना शोल्डर टैकल। जॉन सीना एक और बार जा रहे हैं प्रोटो पावर बॉम्ब के लिए, पर ये प्रोटो ढंग से नहीं पड़ पाया। पर यहाँ पर लेट तो गए रोमन रेंस और जॉन सीना यहाँ पे ऐलान कर दिया यू कैन सी मी आने वाला है। ये क्या रोमन रेंस और एक समन ड्रॉप, रोमन रेंस ने यहाँ पर समन ड्रॉप भी दे दिया और रोमन रेंस क्या अभी भी जीत जाएंगे रोमन रेंस। और ये एक स्पेयर का ऐलान, द सेकंड टाइम रोमन रेंस स्पेयर, और जॉन सीना ने पैर पकड़ लिया। एसटीएफ सीना ने एसटीएफ लगा लिया है रोमन रेंस का। काफी टैप आउट करेंगे, टैप आउट करेंगे रोमन रेंस। ओह नो, रोमन रेंस रिवर्स, रोमन रेंस द पावर। ओ रोमन रेंस, रोमन रेंस पावर रेंस से पावर बॉम्ब कवर की कोशिश। कवर 1-2 और सीना किक आउट। ये नए सुपरस्टार बीस्ट ट्विन चैनल में आए हैं और अपना जलवा दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं और सुपरमैन पंच के लिए जा रहे हैं। रॉक एंड रोल कर लिया है रोमन रेंस, जा रहे हैं सुपरमैन पंच के लिए। और ये कनेक्टेड हो चुका है सुपरमैन पंच, अब जा रहे हैं स्पेयर के लिए, जो वो पहले ही मैच खत्म करना चाह रहे हैं स्पेयर से। क्या स्पीयर पड़ने पड़ गया, थ्री टाइम तीन बार कोशिश करी है और नाकामयाब, पर क्या आएगा जॉन सीना का खबर। 1-2 और जे सीना ने किक आउट कर लिया है। जॉन सीना ने किक आउट कैसे कर लिया, वो भी एक स्पीयर पर जॉन सीना ने किक आउट कर लिया है। चौक गए हैं यहाँ पर रोमन रेंस, कह रहे हैं तू कैसे हो गया। एक और बार स्पीयर देना चाह रहे हैं, क्या स्पीयर पे स्पीयर लगा के मैच खत्म करना चाह रहे हैं। और ओ पैर यहाँ पर टकरा गए हैं, यहाँ पर शोल्डर को डैमेज आया, इंजर्ड हो गए हैं यहाँ पर डैमेज। इसी का फायदा जॉन सीना ने उठा लिया है। जॉन सीना टॉप रोप पर ले गए हैं, जॉन सीना एंड रोमन रेंस टॉप रोप पर, रोमन राइट हैंड में आ गए हैं यहाँ पर। और लेकिन रोमन रेंस का हाथ पूरा डाउन है एक, और जॉन जॉन सीना क्या उठा पाएंगे। जॉन सीना ने कंधे जा रहे हैं एक सुपर मूव के लिए, और एक सुपर ये क्या कितनी सुपर वन टू, और ये रोमन रेंस ने एक किक आउट कैसे कर लिया। आई कैन्ट बिलीव इट, जॉन सीना शॉक्ड, पूरी दुनिया शॉक्ड हो चुकी है कि कैसे जॉन सीना यहाँ पे हरा नहीं पाया। और रोमन रेंस का एक्सेल स्पेयर का यार है जॉन सीना, क्या खेल खत्म। जॉन सीना का कवर करने जा रहे थे पर शायद उनके सर में दर्द हो रहा है, स्पेयर में दर्द हो गया कि लगता है स्पेयर के, हाँ शायद सुपर एक कारण यहाँ पर पड़ रहा है रोमन रेंस को, और स्पीयर में शायद डी टी पड़ चुकी है, काफी ज्यादा दिमाग का दर्द है यहाँ पर। अब कवर कर रहे हैं
टू और सीना ने फिर किक आउट कर लिया है। ऐसे कामयाब नहीं हो पाएंगे, रोमन रेंस लगातार स्टेयर देने पड़ेगी या लगातार कवर करना पड़ेगा, पर यहाँ पर दोनों में से कुछ नहीं किया रोमन। पांच टॉप रोप पे कैप कह रहे हैं अब मेरी बारी है, पहले तुमने मेरे को ऊपर ले गए अब मैं ले जाऊंगा। जॉन सीना रोमन रेंस नॉक आउट हो चुके हैं दोनों प्लेयर एक दूसरे के खिलाफ ऐसी फाइट कर रहे हैं कि दोनों की दोनों को इतना ज्यादा दर्द दे रहे हैं। लगता है दो साल का बदला ये इसी मैच में निकालेंगे। अब 2022 का ये मैच 2020 का बदला और एक दूसरे को पंच पर पंच लगाते हुए रोमन रेंस विद राइट हैंड और जॉन सीना की तरफ से क्लोज लाइन, लेकिन जॉन सीना कैच easy to catch lift John Cena shoulder a position में ले लिया और रोमन ने ये दे दिया cover 1 2 रोमन रेंस kicks out। आखिरकार रोमन रेंस ने 3AA में kick out कैसे कर लिया और उसे एक super थी, super का मतलब एकदम top वाला AA हाई लेवल पावर। अब जा रहे हैं जॉन सीना एक पावर बम के लिए, क्या रोमन रेंस को उठाना थोड़ा मुश्किल है जॉन सीना के लिए, पर आकर उठा लिया जॉन सीना ने। क्या देंगे पावर बम, काफ़ी ज़्यादा पावर है 1 2 और ये रोमन रेंस तरह से किक आउट पर रोमन रेंस का शोल्डर तो पूरी तरीके से डाउन हुए ही नहीं था, पर कवर किस बात का। रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा किक आउट पर किक आउट, क्या अनदर सुपर ए, क्या वन मोर ए क्या आ सकता है। सीना पंच और रोमन रेंस काफ़ी दर्द में और जॉन सीना की तरफ से क्या आने वाला है, क्या ब्रॉक को चढ़ा रहे हैं जर्मन सीप्लेक्स दे के ब्रॉक लेसनर को उकसा रहे हैं और जर्मन सीप्लेक्स काफ़ी ज़्यादा घातक जर्मन सीप्लेक्स है। आखिरी मौके पर डाउन ढाई काउंट पर किक आउट कर लिया रोमन रेंस ने अपना डैमेज, अपना इंजर्ड हाथ को कैसे भी करके उठा लिया और कर लिया रोमन रेंस ने किक आउट पर। ले रहे हैं जॉन सीना कंधे पर, क्या ए जॉन सीना अब साथ खेल खत्म नहीं, जॉन सीना तो डबल ले लिए जा रहे हैं, अब तो खेल खत्म हो जाएगा रोमन रेंस का। अब रोमन रेंस ने कुछ रिवर्सल नहीं किया। ब्रॉक इज हियर ओ माय गॉड, इन मनी इन द बैंक लेकर आ गए जॉन सीना, तो लेसनर इज हियर। जॉन सीना चौंक गए कि जॉन सीना ने गलती कर दी, जर्मन सुप्लेक्स देके रोमन रेंस को और ब्रॉक लेसनर को उकसा दी और ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक लेकर मैच में अपने आप को शामिल करने के लिए आ गए। ये क्या, ओह यू कैन सी मी, ओह मैच हो चुका है शुरू, अटैक। अब ट्रिपल थर्ड मैच हो चुका है, मैच सिंगल्स नहीं रहा, जॉन सीना और रोमन रेंस जर्मन सुप्लेक्स, ब्रॉक लेसनर को उकसा कर जॉन सीना ने बहुत बड़ी गलती कर दी और कंधे पर उठाकर जॉन सीना को और एक जर्मन सुप्लेक्स दे दिया रोमन नंबर टू, रोमन रेंस काफी ज्यादा डाउन हो गए नंबर थ्री जर्मन सुप्लेक्स, ये है जर्मन सुप्लेक्स ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर क्या आ सकता है, अब एफ फाइव जैसे जॉन सीना को आ रही और पर खेल खत्म और एफ फाइव आने वाला है, एफ फाइव के लिए जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर के, आएगा एफ फाइव और एक एफ फाइव, काफी ज्यादा डेंजरस एफ फाइव दी थी रोमन रेंस को और जॉन सीना को भी एक एफ फाइव मिल चुका है और एक और एफ फाइव आ रहा है रोमन उतरे यहाँ पर और रोमन एक स्पीयर रोमन रेंस ने खेल खत्म हो सकता है स्पेयर में,
स्पीयर के लिए आया था लेकिन ब्रॉक लेसनर चले गए। रोमन रेंस को थोड़ा सा सर चकरा गया और F5 कि उसने स्पीयर नहीं दिया, कवर करने आ रहे थे। जॉन सीना यहां पर, जॉन सीना ने मौके का फायदा उठा लिया है, कर दिया है कवर और जॉन सीना कवर ब्रेक, जॉन सीना दे दिया ए और रोमन रेंस के पास जाते हुए जॉन सीना के पास है जीतने की अपॉर्चुनिटी और उसको पता है कि मैंने डोमिनेट कर दिया है रोमन रेंस को। रोमन रेंस को ही हराया जा सकता है, ब्रॉक लेसनर को नहीं। और ये आने वाला है एक फाइनल टाइम है यही और ये खेल खत्म। दिमाग का यूज़ करके जॉन सीना जीत, जॉन सीना विंस, जॉन सीना अपना दिमाग चलाकर जीत गए हैं। मैं तो ब्रॉक लेसनर एकदम शॉक हो गए, ब्रॉक लेसनर को एक एम में बेहोश कर दिया था जॉन सीना ने और ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक टैग दिया।